खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर, जौनपुर विधानसभा से। रामपुर थाना के सामने गड्ढा युक्त सड़कों पर धान लगाकर सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। राजवी यादव ने कहा जो सरकार चार साल से गड्ढा मुक्त कराने का सपना उत्तर प्रदेश को दिखा रही है उसमें वह पूर्ण रूप से विफल दिख रही है। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। आज ये आप लोग सड़कों पर धान लगा के सरकार को क्या संदेशा देना चाहते हैं? देखिए, ये हमारे मणियाव विधानसभा क्षेत्र में आता है और ये हमारा रामपुर का रोड बहुत ख़राब है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे धान लगा के यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दिखाना चाहते हैं कि अगर आपके बस की बात ना हो तो इसको खेती लायक छोड़ दीजिए, यहाँ पर धान लगाया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है और लोग कोई ना कोई तकलीफ से बढ़ता है जुड़ता है। कोई अपना घर, अपना बेटा, कोई अपना लड़का, कोई अपनी मात होता है, बहुत दयनीय स्थिति है। और हमारे यहाँ विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब मस्त है अपने में। यही हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है और हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द निवारण करने का काम करें। तो यहाँ की इसमें विधायिका जो है कौन है? यहाँ की विधायक अपना दल भाजपा की गठबंधन की डॉक्टर लीना तिवारी जी हैं, भाजपा के सांसद सरोज जी हैं। उन्हें कोई लेन देन नहीं है यहाँ की जनमानस से, यहाँ की रोडों से पता नहीं वो लोग आते हैं जाते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ समस्या बहुत गंभीर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।